स्टेज। वो क्या है ना मैडम, हमारा एक उसूल है कि हम अपने ठेले पे सिर्फ फीमेल चीजें ही बेचते हैं, इसीलिए लेडी फिंगर के साथ मछली और मछली के साथ अरबी और अरबी के साथ लौकी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मेकिंग के वीडियो में काम आएगा। स्टूपिड। क्या कोइंसिडेंस है ना मैडम, मेरे ठेले की सब्जियां भी हरी हरी, आपकी ड्रेस भी हरी हरी, और आपको देख के ना मेरी तबीयत भी हरी हरी हो गई। शट अप, शट अप। अभी शूट शुरू नहीं हुआ है, नॉर्मल रहो। चाचा, ज्यादा हरा हरा हो रहा है। एक पड़ोस के मुल्क में थोड़ी बैठे हैं, इंडिया दिखना चाहिए इंडिया। अरे रोलिंग, 3, 2, 1, एक्शन। मैं हूँ इस वक्त डोंगरी की सब्जी मंडी में, जहाँ पे सब्जी की सबसे बड़ी रेडी लगाते हैं असलम चाचा, वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज छोटी रेडी लगाई है इन्होंने। असलम चाचा, अगर मछलियों को होश आ गया हो तो शुरू करें। जी 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 जनाब। हमने सुना है कि मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन डी आपके यहाँ से सब्जियाँ खरीदते थे, क्या ये बात सच है? खरीदता था? खरीदता नहीं था, मुफ्तखोर, मुफ्त ले जाता था। ओ, तो आपका मतलब इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन डी सब्जी चोर था। कौन कौन सी सब्जियां चुराते थे वो? वैसे तो 55 सब्जियों की रेडी है हमारी, लेकिन डी सिर्फ पालक ही ले जाया करता था। ओ, यू वांट टू से ही वाज इनटू ग्रीन वेजेस? नो सर, ग्रीन वेजेस वर इनटू डी। हिंदी उर्दू बोल लेते हैं? बिल्कुल, मतलब फुंसियों की भारी तकलीफ थी उनको। ओ, तो आपका मतलब पाइल्स? अब शब्द बदलने से कोई तकलीफ थोड़ी ना कम हो जाएगी। तो क्या पालक खाने से बवासीर ठीक हो जाती है? खाने से नहीं जनाब, लगाने से। तो जैसा कि आपने देखा, असलम चाचा ने बताया कि उनके लिए ये एक सब्जी की दुकान कम और टी के लिए दवा खाना ज्यादा थी। अपना रिस्पॉन्स भेजने के लिए ट्वीट कीजिए #truthabouti। कितना ओवर एक्टर है रे तू। चलो सर। सर, अर्नब को उसके लेटेस्ट मीडिया स्टैंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, उसकी कोई पुरानी साठ गांठ है उस डी के साथ। ये कोई गेम है जो दोनों मिलकर मेरे साथ खेल रहे हैं। मगर सर, काफी दिलेरी की बात है कि एक रिपोर्टर ने खुले एमडी को ललकारा है। इसके बाद इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, अर्नब ने आपकी इतनी बेइज्जती की, फिर भी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? रास्ता छोड़िए, मैंने कहा ना। सर सर, जवाब देते जाइए सर। इंस्पेक्टर हो अकबर, सीधे बैठो, मुझे ठीक करने दो तुम्हारी। मैडम। क्या? माई चीज सौगंध। व्हाट? मेरा मतलब, माँ कसम, जब आप मेरे गालों को हाथ लगा रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे तेज छुरे पर गरम गरम मक्खन मिल गया। शट अप, याक। रेडी तू? ओके, लेट्स गो। इस वक्त मैं हूँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने और हमारे साथ है सीनियर कांस्टेबल दोगले। आइए उनसे बात करते हैं। दोगले साहब, सुना है कि डी ने अपनी जवानी में काफी वक्त गुजारा इस पुलिस स्टेशन में। जवानी में कहाँ, बचपन से यहाँ आया करता था जी। कभी साइकिल का टायर पंचर किया, कभी पड़ोसी का ताला तोड़ दिया। माँ कसम, बड़ा अजीब किस्म का झोलर था। तो आपका कहना है कि डी ने इस हवालात में काफी वक्त गुजारा है? अरे हवालात में कहाँ, उसके बाजू वाले 4x4 के कमरे में काफी वक्त गुजारा है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ पे नए नए और बिगड़े हुए लौंडों को हम प्यार से सुधारते हैं। ओके, तो आपने डी को बड़ा कूटा है मतलब? एक बार तो मैंने उसे जाने दिया था, साले की काफी खबर ली थी। ओके। एक दिन तो उसका बाप खुद ले आया था उसको मेरे यहाँ। ओके, और बताइए। और तो सब बढ़िया है, बीवी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, लड़का छोटा मैट्रिक में फेल हो गया है, बाकी सब तो चलता रहता है। वो लड़की वाली बात बोल, बंद करो एक्टिंग। हाँ जी, हाँ याद आया, एक बार लड़की छेड़ने के मामले में भी यहाँ लाया गया था। तो डी ने लड़की छेड़ी थी? अरे छेड़ी कहाँ, कोशिश की थी। लड़की ने भी 2-3 रपेट रपेट के ऐसे ताने मारे और रही सही बेचारे को लिया यहाँ थाने में सुधारने। उस दिन बहुत तरस आया मुझे उस पर, मारने का बिल्कुल मन नहीं किया। ओ, तो फिर आपने डी को नहीं मारा? अरे कहाँ साहब, उस दिन बीवी से झगड़ा करके आया था जी। अब आलू गोभी की सब्जी में कोई लहसुन डालता है भला? डालता है? हाँ, नहीं डालता, बहुत मूड खराब था, हाथ उठ गया बीवी पे। अरे बीवी पे ऐसी हमारी कहाँ औकात भैया, डी पे। अच्छा। हाँ, उस दिन साले को कान के नीचे 2-3 मारने का मन किया,
और एक मिस होके आंख के नीचे लग गया। ओ। वो जो चश्मा पहने फिरता है ना आजकल, मेरे हाथों की निशानी छुपाने के लिए। बहुत लोग जानते नहीं है इस बारे में। तो अभी आपने सुना, दोगले का कहना है कि उन्होंने जो डी की आंख के नीचे एक दिया, उसके ऑटोग्राफ आज भी यहाँ मौजूद है। सवाल यह है कि क्या वो ऑटोग्राफ आज भी है? अपना रिस्पॉन्स ट्वीट कीजिए #truthaboutdee #कंबलपिटाई। भाई। हाँ बोल। कैसे बोलू, शर्म आ रही है। ऐसी भी क्या बात है, नसबंदी करा के आए हो क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो, तौबा 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 तौबा। ओ आपको लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है ये सोशल मीडिया पे। किस बारे में? जो वीडियो डाल रहा है उस पे आपके बारे में। नहीं मतलब वो उसमें एक सब्जी वाला है, उसका कहना है कि आपने उसकी सब्जी चोरी की थी, और एक ये पुलिस वाला है, वो उसका मानना है कि वो। अरे शायरी क्यों कर रहे हो यार, ठीक से बोलो ना। नहीं भाई, वो मतलब वो पुलिस वाले का कहना है कि उसने आपकी कस के धुलाई की थी। नहीं मतलब वो उसका कहना है, वो हौलदार। दिखाओ वीडियो दिखाओ। अरे नहीं 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 भाई। अरे नहीं भाई मतलब, अरे लाओ ना यार। ये क्या है, ये तो बंदूक की कोई दुकान लग रही है भाई। तो नहीं वाली है, मैंने भी नहीं देखी थी ये। मैं हूँ इस वक्त जुबेर आर्म्स के प्रोपराइटर जुबेर साहब के साथ। जुबेर साहब मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी बोलिए। डी ने पहली बार आपके यहाँ से गन खरीदी थी क्या? जी जनाब, दरअसल बंदूकों की मरम्मत के लिए हमें गन ऑयल की जरूरत पड़ती थी। ओके। वो हमें कुरियर किया करते थे। और साउंड भी अच्छा है। क्या सप्लाई किया करते थे। तो ये एसोसिएशन कब तक रहा आपका उनके साथ? ज्यादा देर नहीं चल पाया, पर बात ऐसी है कि वो माँ लक्ष्मी के गोडाउन से तेल चुरा कर हमें सस्ते भाव में बेचा करते थे। 2-3 महीनों तक चला होगा ये सिलसिला। उसके बाद क्या होना था, दोगले साहब आए जी और उठा के ले गए। ओके। वो तबीयत से धोया है ना उसे, बस उसके बाद इक्का दुक्का दिखे होंगे इधर किधर। जी जब भी आपको इक्का दुक्का दिखे तो आपकी क्या बात हुई उनसे? एक बात बताइए जी, जिस्म का टूटा हुआ आदमी कभी बोलता है? बोलना बहुत चाह लेकिन उन्होंने, हाँ लेकिन सूजे हुए होंठों से शायरी निकली है कभी? भला निकली है? नहीं निकली है। ओके। बस इतना ही कह गए, ये धंधा अब हमसे नहीं हो पाएगा। जी पहली बंदूक आपसे कब खरीदी थी उन्होंने? 1989। जी दो दोस्तों के साथ आए थे, 3 हैंडगन और 2 पिस्टल खरीदने। तो क्या प्राइस रहा होगा 3 हैंडगन और 2 पिस्टल का? अरे कहाँ बिकी जनाब, दरअसल बात ऐसी है, हमारे इस गोडाउन के पीछे हमारा एक मैदान है जहाँ बंदूकें टेस्ट की जाती हैं। अब ये भाई साहब को भी हम वहाँ ले गए टेस्ट कराने के लिए। मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था गधे के हाथ में संडासी दे दियो जी। ना गन के सर का पता ना पैर का पता, फिर भी कहेंगे कि हम चलाएंगे। मैं क्या चला लीजिए भाई, हमें भी तो बिक्री करनी थी। बस फिर क्या था, गन उठाई बंदूक चलाई जी, बंदूक के वजन से कलाई मुड़ गई और निशाना चूक गया। निशाना तो चूक नहीं था। बिल्कुल सही कहा जनाब, लेकिन निशाना लगा बाजू वाली दुकान के छत पे। अच्छा। छत 3 की थी, 3 कारीगर मर गए। ओ होना क्या था, ना चाहते हुए डी ने अपना पहला मर्डर कर दिया। अच्छा फिर क्या होना था, बस हमने कहा फटाफट निकल जाओ इससे पहले कि लाशें बिछ जाएं। फिर क्या होना था, फिर दोगले साहब आए और ले गए। बस फिर क्या बोला। तो इस तरह से डी ने किया अपना पहला मर्डर। तो अपना रिस्पांस देने के लिए हैशटैग ट्वीट कीजिए #truthaboutdee #गोली के पीछे क्या है। कौन है? तू पता लगा गिरधारी इसकी तुम मैं? आराम से भाई, बीपी बढ़ जाएगा। पता लगा तो पता लगा जी, जी, जी। वैसे भाई क्या वैसे? 2 और वीडियो है। क्यों हंस रहे थे भाई? आप हंस रहे थे। हेलो। हाँ
अबे बिल में उंगली डालने के पहले सोच लिया होता कि बिल चूहे का है कि सांप का। कौन बोल रहा है? 3 दिन से तू नाटक किए हुए ट्विटर पे, तुझे पता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ? डी, अबे डी तुझे पर्सनली फोन करेंगे। तो आप कौन बोल रहे हैं? ये जरूरी नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, जरूरी ये है कि तू जो नाटक कर रहा है ना उसको खत्म कर दे, नहीं तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझे खत्म करने में। ये नाटक बंद नहीं होगा, इंडिया फ्री कंट्री है, यहाँ आजादी है बोलने और दिखाने की। ओए फ्री कंट्री, ग्लोब पे उंगली रख ले, कंट्री तो सब है, फ्री कोई ना हमारे लिए। ये जो दिखा रहा है ना झूठ है, बंद कर इसको। क्या क्या गलत है उसमें? कांस्टेबल और भाजी वाले की मानो तो सब सच है। ए मरेगा तू और तेरे भाड़े के एक्टर, समझ लेना। तू समझ नहीं रहा है, ये नाटक बंद नहीं होगा। तू मुझे गोली मरवाना चाहता है ना, मरवा दे। तुझे मुझे मरवा के क्या हासिल होगा? देख सोशल मीडिया पे एक बार कोई कांड हो जाता है ना तो उसकी आवाज सदियों तक गूंजती है। तेरे भाई की इज्जत का फालूदा तो होना ही होना है। हाँ एक ऑप्शन है। अच्छा कभी से खेल रहा है मेरे संग? भाई से बोलो मुझे पर्सनल इंटरव्यू दे, जो सफाई देनी है उस इंटरव्यू में दे, उसको टेलीकास्ट करने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है। ए, तेरी फूफी चाची मौसी खाला तू। भाई गाली मत दे, मेरा काम करना। अब अगला कॉल तभी करना जब भाई इंटरव्यू के लिए मान जाए। ओके। ए हेलो ते तो ये सारा हंगामा उसने इंटरव्यू के लिए मचा रखा है। जी भाई। हाँ बोल दे। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ बोल दो उसको। कैसे? मौका है गिरधारी, बहुत हो गया मजाक। जो कल तक डरते थे आज हंस रहे हैं। सबको ये पता होना चाहिए कि D4 डर होता है। भाई आप मतलब इंटरव्यू देंगे, टीवी पे आएंगे, उसको यहाँ आना ले जाना सियापा हो जाएगा। अरे सिक्योरिटी का रिस्क है इतना? कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है गिरधारी, उसे सिर्फ लाना है। मतलब? मतलब ये कि तू इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दे, मैं उसे लाइव टीवी पे मारूंगा। हेलो, कल दोपहर 3:30 बजे पिंडी बाजार, अकेले आना। कौन बोल रहा है? तेरे को इंटरव्यू चाहिए ना तो पहुंच जाना। टिंडे बाजार ना? भिंडी बाजार। आलू बाजार ना? और भिंडी बाजार सुनता नहीं क्या? हाँ हाँ भिंडी बाजार, लेकिन भिंडी बाजार में कहाँ? हेमंत जनरल स्टोर में 100 ग्राम इलायची मांगना। 200 ग्राम ना? 100 ग्राम इलायची। इलायची ठीक है, भिंडी बाजार राइट? हाँ भिंडी बाजार। ओके। रॉय माय बॉय, वी आर इन इलायची, आई मीन वी आर इन बिजनेस। यस।